हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ छोटे वाले बैंगन की एक ऐसी रेसिपी जो काफ़ी टाइम से हमारे जहन में भी नहीं आई होगी कि हम ऐसे भी बना सकते हैं बैंगनों को। तो कुछ नए तरीके से मैं इन बैंगनों को बनाने जा रही हूँ आज। चलिए ट्राई करते हैं इन बैंगनों को कि कैसे बन रहे हैं। देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि कितने मस्त बने हैं ये बैंगन। तो फटाफट से अपने किचन में जाकर इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं और बातें कम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं छोटे वाले बैंगन। इन बैंगनों को हम बीच में से कट कर लेंगे और इनको कट करने से ये भी फ़ायदा रहेगा कि हमें पता चल जाएगा कि इसमें कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। और इसको पानी में डालते जाएंगे कट करके। तो दो ही पीस हमें करने हैं और एक बोट की तरह हमें इसको बना लेना है दोनों तरफ से और इसको अच्छे से कट कर लेना है। तो चलिए मैं सभी बैंगनों को कट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जितने बैंगन आज मुझे बनाने हैं। बाकी मैं इसको रख दूँगी, बाकी मैं बाद में बना लूँगी। और अब मैंने ले लिया है यहाँ पे, मैं ले लूँगी दो प्याज। बड़े बड़े प्याज हैं मेरे पास, तो मैं दो प्याज ले रही हूँ और इनको भी बारीक बारीक कट कर लेंगे हम। फ्रेंड्स, ये जो बैंगन की रेसिपी बन के निकलती है ना, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनी थी और इसमें मैंने अपना वर्जन दिया है। तो देखिएगा ज़रूर और पूरी वीडियो देखिएगा और पूरी वीडियो देखकर बनाकर और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी आपको। तो अब इस प्याज मेरे पास ये बड़े वाले हैं इसलिए मैंने दो ही लिए। आपके पास छोटे हों तो आप चार ले सकते हैं। तो इनको बारीक कट करना है जैसे हम अंडे के लिए प्याज को काटते हैं। आप जितना बारीक कर सकें उतना कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं चार टमाटर और कुछ हरी मिर्चें ली हैं। तो हरी मिर्चें आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, वैसे इतनी तीखी बनती नहीं है ये। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ सूखे मसाले बनाने के लिए ये ले लिए मूंगफली और सफ़ेद तिल। तो इनको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसको मसाले को पीस लेंगे ठंडा करके। तो यहाँ पर मूंगफली देखिए जब चटकने लगेगी ना तो बीच में से खुल जाती है और तिल की भी चटकने की आवाज़ आने लगती है। तो ये मसाला मैंने पीस लिया है और पानी में से बैंगनों को भी निकाल लिया है और इसको अब हम करेंगे मैरिनेट। अब हम इसमें जो हमने मसाला भी पीस के रखा है, बस वो मसाला हम इसमें ऐड करेंगे पहले। बैंगनों के हिसाब से आप दो तीन चम्मच आप डाल सकते हैं, जितना भी आपको डालना चाहें आप। इसके साथ ही हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम नमक ग्रेवी में भी डालेंगे इसलिए इसमें कम डालेंगे। यहाँ पे मैं जैतून का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने इस टाइम और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही। और ये प्रोसेस हम पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो मसाला है वो बैंगनों के साथ अच्छे से मैरिनेट हो जाए और बैंगनों में भी इसका टेस्ट आ जाए। तो इसको चलिए मिक्स करके हम रख देते हैं साइड पर। और यहाँ पर मैंने ले लिए कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है तेल, ये रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने और इसी के साथ ले लिए कुछ सूखे मसाले। सूखी लाल मिर्च है, तेज़पत्ता है, जीरा है, हींग है, काली मिर्च है, अजवाइन है और ये सब चीज़ें हम इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची डाल के, मेथी दाना डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तड़कने देंगे इसको ताकि ऑयल में इसका फ्लेवर आ जाए मसालों का। अब ये प्याज है मैंने कट करके रखी हुई है जो, वो इसमें हम डाल देंगे। साथ ही मैंने इसके अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। प्याज को हल्का सा पिंक करा है मैंने, उसके बाद ही डाला है। इसके साथ ही सूखे मसाले डाल रही हूँ मैं, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर जाएगा इसमें और नमक जाएगा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जितना भी नमक खाते हैं, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी नमक डाला था तो ध्यान से डालिएगा। और मसाला भुन गया है, अब इसी के साथ टमाटर मैंने पीस के रखे थे वो इसमें डाल देंगे। और जो हमने पिसा मसाला तैयार करके रखा था ना, वो भी इस टाइम हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे ताकि हमारी ग्रेवी में भी उसका फ्लेवर आए और गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो।
तो फ्रेंड्स रेसिपी अगर अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपका प्यार होता है हमारे लिए, ताकि हम और मेहनत करके आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाते रहें। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मैं बैंगनों को तवे पर फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्राइंग पैन में फ्राई कर सकते हैं, या आप कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो आप उसमें डाल सकते हैं। तवे पर फ्राई करने से ये बैंगन बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, अलग से कुरकुरे कुरकुरे हो जाते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं फ्राई। और दबा के अच्छे से हमें इसको लाल करना है। इसमें मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो रेगुलर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और इसको दबा दबा के मैं अच्छे से कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उधर ग्रेवी में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करा है। आप चाहे तो इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कलर तो वैसे भी आ जाता है। और देखिए बैंगन कितने अच्छे से लाल लाल हो गए हैं, और मसाला बिल्कुल जलाना नहीं है हमें, सिर्फ हमें इसको क्रिस्प करना है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे बैंगनों को, और बाकी के जो बैंगन हैं उन्हें भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इन बैंगनों को थोड़ा सा और फ्राई करके ऐसे ही इसके साथ भी आप खा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लाल मिर्च, जो हरी मिर्च काट के रखी है, वो हम इसमें डाल देंगे। और मेरे मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसमें, जिसमें हमने मैरिनेशन करा था ना, उस वाले कटोरे में हम पानी डाल के इसमें डाल देंगे, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हमारी पतली हो जाए। अब इसमें हम अपने बैंगनों को प्लेस कर देंगे। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं अभी से ही देखने में। मैं ज़रूर आपसे दिल से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी रेसिपी ये बनी थी। इस रेसिपी को क्या नाम दें ये आप मेरे को ज़रूर सजेस्ट करिएगा। मैंने इसका नाम कश्ती वाले बैंगन रखे हैं, जो पानी में डूब रहे हैं। तो आप बताइएगा कैसे लगे आपको ये। अब इसमें देखिए ग्रेवी पे ऑयल ऊपर आ गया है, इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर नहीं हो तो आप चाट मसाला डाल लीजिएगा, क्योंकि नमक डला है तो ध्यान से डालिएगा। और यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके हाथों से। और ये बैंगन हमारे तैयार हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब चलिए इसको हम एक बॉयल दे देते हैं इसके साथ, और इसको हम फिर प्रेजेंट करके दिखाते हैं कि हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने एक प्लेट में इसको प्लेस करा है बैंगनों को नाव की तरह, और कश्ती बना दी है। आप जैसे भी चाहें उसको वैसे प्लेस कर सकते हैं। और ये जो सूखी मिर्चें थी ना, मैंने निकाल ली थी और इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया है। और इसको भी खाने में बड़ा मज़ा आता है, कुरकुरी हो जाती है ये। तो ये रेसिपी आप चावल के साथ, पराठों के साथ और रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो खा के और बना के मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। आप जो इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।